तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव और हुकूमत की जानिब से जारी की गई हिदायतों पर अमलावरी के ज़िमन में बात की। बादियाज़ां इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों को समझना होगा कि इस खतरनाक बीमारी से हिफाजत उन्हीं के हाथ में हैं, ना कि हुकूमत के पास। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ इंतजामात और इकदामात करना है। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि बिना ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों से, डॉक्टरों से बात करें तो वो तो डराने की बात है, आगे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। तो सेकंड फेज में थर्ड फेज फोर्थ फेज के बाद उसको फिर रिपीट है ऐसा करके कंट्रोल करके उसको ले देता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रही है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। कंटिन्यू 24 आवर्स पुलिस अहदेदार हमेशा ट्रैफिक पर कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर पूरे वक्त में वो बहुत हमदर्दी से दिल से काम करता है, और इंडिया में हमारा तेलंगाना पुलिस यकीनन नंबर वन है, उसी तरह नंबर वन तरीके से काम कर रहे हैं। एक ही इसके अंदर है कोरोना वायरस के अंदर कि लोग घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर से उम्र रसीदा लोगों को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो उम्र लोग 60 ईयर से ज़्यादा है वो कभी भी कोशिश ना करें कि कोई चीज़ बाहर से ख़रीदने के लिए। जो नौजवान है वो ज़रूर सुबह के अवकात में जाकर तरकारी हो या मेडिसिन हो या किराने का सामान हो वो ख़रीद सकते हैं, पर उसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। पुलिस की तरफ से मार्कोट डाला गया कि 3 फीट के फासले से ख़रीदिए और उसी को मेंटेन कीजिए। और लोगों से मेरी गुजारिश है मीडिया भाइयों के ज़रिए कि आप किसी सूरत बगैर वजह के बाहर ना निकलें।